वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 12, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, थोड़ा सा इतिहास के जैसा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जिस वीडियो में इतिहास की बात आ जाए उसमें मल्टीपल चॉइस ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही, तो थोड़ा सा इसको गौर से और ध्यान लगा के पढ़िए कि हम क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक कहानी के जरिए बताएंगे। और आप लोग जो बार बार कमेंट कर रहे हैं बाबू कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, तो एक मैराथन क्लास आपके लिए चलाया जाएगा, जो आपका एग्जाम को लेके काफ़ी आप चिंतित है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका टेंशन है तो एक तरह से मेरा भी टेंशन है और मेरा भी कर्तव्य बनता है, ठीक है, कि आपका काफ़ी हद तक हम सहयोग करेंगे। आपका पूर्ण रूप से बुक को कम्प्लीट होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। देखिए, ये एक कहानी के तरह हम लोग समझेंगे कैसे। इसका नाम है बाबू विक्रमशिला। विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय, बहुत ही महान विश्वविद्यालय, वहीं से तो हमारे आर्यभट्ट हुए निकले हैं, वहीं के स्टूडेंट हैं, वहीं के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आपको पता है आर्यभट्ट कौन है? आर्यभट्ट यानी कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर विक्रमशिला इजुलेशन है, आखिर इसके बारे में यहाँ चर्चा क्यों किया गया है, ठीक है। आखिर ये कितना महान विश्वविद्यालय था उस समय, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उत्तम था ये। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है कैम्ब्रिज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी मूवी एक आया था, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ऋतिक रोशन का मूवी था, उसमें आनंद सर के बारे में था, पटना वाले जो आनंद सर हैं उन्हीं के ऊपर ये मूवी था। उसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ऋतिक रोशन रहता है, तो उससे सोचो कि वो कितना महान होगा। उससे भी महान अपने यहाँ का एक विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लेकिन इसका भी खात्मा हो गया, ये भी विश्वविद्यालय विनाश हो गया। आप लोग तो नालंदा के बारे में भी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय भी तो काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत ही विशाल था, लेकिन क्या कीजिएगा, लोग आए यहाँ पे और सबको लूट के लेके चले गए। यहाँ देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड से भी ये महान विश्वविद्यालय था, और यहाँ पे आर्यभट्ट भी देखिए पढ़े हैं, और अतीश दीपंकर, ये दोनों है कौन, याद रखिएगा कि आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे हैं, और अतीश दीपंकर ये किस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। इन्होंने क्या किया, खगोल विद्या के क्षेत्र में मतलब विश्व प्रसिद्ध थे, ये खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध थे, मल्टीपल चॉइस के लिए हो सकता है। थोड़ा सा अतीश दीपंकर के बारे में जान लें, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने किया है। तिब्बत जो है, आज तिब्बत किसके कब्जे में है, चाइना के कब्जे में है, ठीक है। चाइना समझ रहे हैं, फादर ऑफ कोरोना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और लांबा संप्रदाय का शुरुआत किसने किया, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लांबा, याद रखिएगा लांबा संप्रदाय का शुरुआत किसने किया, तो आप बोलिएगा क्या, अतीश दीपंकर, ठीक है। यहां देखिए, स्थान थोड़ा सा जान लें कि ये विश्वविद्यालय है कहाँ। और एक चीज ये देखिए, ये जो कहानी जब आप पढ़िएगा ना, तो पता चलेगा ना कि ये जो विक्रमशिला है, ये स्वयं बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है कि मैं विक्रमशिला हूँ, ठीक है। और मेरी महानता के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कैसे कैसे विद्वानों ने जन्म लिया है, और हमने वो मेरा सब प्रोडक्ट है, ये अपने आप पर प्राउड फील करेगा, ये खुद ऐसा बोलेगा कहानी कि मेरा ये क्वालिटी है। देखिए इसकी, यहाँ पे देखिए स्थान ये कहाँ है, भागलपुर जिला, ठीक है, ये भागलपुर जिला के, आज ये भागलपुर जिला में है, आधुनिक नाम इसका है, प्राचीन में इसका नाम था अंग महाजनपद, याद रखिएगा पुराना नाम था अंग महाजनपद, ये जिला में था और आजकल भागलपुर जिला में है आज का। थाना कहाँ पड़ेगा, तो देखिए कहलगांव, और पोस्ट पड़ेगा पत्थरघट्टा, ठीक है, और यहाँ गाँव का नाम है अंतिचक, ठीक है। यहाँ पर ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसकी स्थापना किसने किया, आखिर इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, कितना महान विश्वविद्यालय था। देखिए अगर पूरा नहीं, जितना भी विश्वविद्यालय अगर नष्ट नहीं हुए होते तो अपना भारत आज भी ऊंचाइयों को छू रहा होता, ठीक है। यहाँ जो भी व्यक्ति आया है व्यापार करने के लिए, उसी ने इसको लूटा है, ठीक है। वजह एक ही है कि हमारे भारत देश के लोग काफ़ी मतलब क्या होते हैं, सहनशील होते हैं, काफ़ी लोगों का इज्जत करते हैं,
ठीक है, कोई भी आता है तो हम लोग उसका रेस्पेक्ट करते हैं, उससे पूछेंगे पहले बाद में कि आप कहाँ से आए, पहले उसको हम लोग चेयर दे देते हैं बैठने के लिए, जगह देते हैं, और वही अंग्रेजों को हम लोग दिए हैं चेयर बैठने के लिए, और उन्होंने व्यापार करते करते अपने बाप दादा की जागीर समझ लिया और इस हिसाब से अपना भारत देश गुलाम हो गया। तो हमारी एक तरह से जो ये संस्कार अंदर भरा गया है, ये एक प्रकार का जो संस्कार है उन लोगों के लिए फायदा कर गया और इंडिया में वो नुकसान पहुँचा गया। देखिए यहाँ पे स्थापना 18वीं सदी के मध्य में हुआ है, यानी कि 18वीं सदी का मतलब समझते हैं 1701 से लेकर के और 1800 का जो बीच होता है ना समय, उसी को 18वीं सदी कहते हैं। ठीक है, पाल, देखो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी, इन्हीं के शासनकाल में विक्रमशिला का स्थापना हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रमशिला की स्थापना कौन से राजा के काल में हुआ था, तो याद किया पालव वंश के जो राजा था जिसका नाम था धर्मपाल, ठीक है, ये याद रखिएगा। नामकरण इसका देखिएगा, आखिर विक्रमशिला इसका नामकरण क्यों पड़ा, तो देखिए विक्रम नाम का एक दक्ष था, राक्षस समझते हैं, उसका संहार करके, ठीक है, और वहाँ पे उसका संहार हुआ है और वहीं पे लोगों के लिए एक विहार बना दिया गया, बौद्ध भिक्षु के लिए, बौद्ध का बौद्ध धर्म एक होता है, ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु के लिए विहार बना, विहार बिहार नहीं समझे, विहार होता है, विहार का मतलब जो तीर्थ स्थल होता है, लोग जहाँ घूमने के लिए जाते हैं, वो बनवा दिया गया, तो उसी के नाम पर इसका नाम विक्रमशिला रखा। उस राक्षस का क्या नाम था, विक्रम, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं विहार बना। यहाँ पे विक्रमशिला में, ठीक है, 6 क्या थे, महाविद्यालय थे, और वहाँ पे महाविद्यालय था लेकिन बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, उसमें हर प्रकार का ज्ञान मौजूद था। अगर कहा जाता है कि जितने भी पुराने अपने विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि विक्रमशिला हो गया, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, अगर ये आज मौजूद होता तो हमारा पूरा भारत देश आज ज्ञान में नंबर 1 होता, दुनिया की सारी क्वालिटी इंडिया में होती, आज भी है, ठीक है, लेकिन इस टैलेंट का कदर लोगों के पास नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए पुस्तकालय है, तंत्र विद्या, तर्क विद्या, इस सब में बहुत आगे था। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना कि गॉड पाल के लोग कैसे साधु महात्मा लोग थे, आंख बंद करके दूसरे जगह की चीज़ों को देख लेते थे, तो ये सारी ज्ञान की पुस्तकें लाइब्रेरी में थी। लेकिन अफसोस की बात है कि अंग्रेजों के आ जाने से और यहाँ पे जो भी विदेशी लोग आए, उन्होंने उस पुस्तकालय को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ना रहेगा ज्ञान और ना यहाँ के लोग ज़्यादा तेज होंगे और ना ही किसी चीज़ का निर्माण कर पाएंगे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, उस पुस्तकालय को ही ख़त्म कर दिया। यहाँ देखिए एक और बात है, थोड़ा सा यहाँ विक्रमशिला के क्वालिटी के बारे में जान लें, यहाँ लड़कों का एडमिशन कैसे होता है थोड़ा सा जान लें, कि मान लीजिए विद्यालय है तो इसमें डायरेक्टर भी होंगे, यहाँ द्वारपाल भी होगा, और इसमें किस किस प्रकार का ज्ञान होता है ये भी तो होगा। जैसे हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी कॉलेज में, तो क्या करने जाते हैं, कोई कोर्स करने के लिए जाते हैं, तो पता करते हैं ना कि क्या क्या पढ़ाई होता है, तो आखिर इस विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाई होता था, कौन से भाषा में पढ़ाई होता था, हिंदी में, भोजपुरी में, संस्कृत में, उर्दू में, अरबी में, कौन से भाषा में पढ़ाई होता होगा, ये हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, और यहाँ के आखिर उस समय डायरेक्टर कौन थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो द्वारपाल होते हैं ना, जो द्वार पे खड़ा होते हैं, जो लोग एंट्री करते हैं अंदर, यहाँ के वहीं पर हम लोगों का सबसे पहले जाते हैं तो टेस्ट होता है। ठीक है, टेबल टेस्ट होता है कि थोड़ा सा देखे कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, अंदर नहीं, जो द्वारपाल था ना उसी के पास इतना नॉलेज हुआ करता, वह हर चीज में परिपूर्ण होता था। गेट पर ही द्वारपाल का ज्ञान जान लीजिए, तंत्र विद्या में, योग में, न्याय के बाद काव्य, व्याकरण, इस सब का ज्ञानी था वो, क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं द्वार पंडित, यानी कि जो द्वार पे रहता था, और यहीं से टेस्ट लेता, अगर आप टेस्ट में पास हो गए तो आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन आपका होगा। इतना महान था, जब आप समझ सकते हैं कि बाहरी टेस्ट लेने वाला इतना जब स्ट्रांग और नॉलेजेबल है तो अंदर की क्वालिटी क्या होती है, और यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट जिंदगी में कभी असफल नहीं होते, वही इतिहास रचे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्यभट्ट को, ठीक है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के पिता कहे जाने वाले आर्यभट्ट यहीं के हैं। यहाँ से जो जो स्टूडेंट निकले हैं वो एक इतिहास रच के ही निकले हैं, और उनका आज भी हम इतिहास में नाम पढ़ते हैं, ऐसा ये यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए अब वहाँ के बाद यहाँ देखिए इसमें डायरेक्टर कौन था, अब तो जान लिए द्वारपाल के बारे में, डायरेक्टर का मतलब उस समय, इस समय हम लोग डायरेक्टर कह रहे हैं आपको समझने के लिए। देखिए प्रथम आचार्य कुलपति हरिभद्र उनका नाम था, ठीक है, उस समय सबसे पहले यहाँ पे कुलपति कौन थे, डायरेक्टर हरिभद्र थे, और यहाँ पे टीचिंग कौन से भाषा में कराई जाती है, टीचिंग को इंग्लिश में कहते हैं अध्यापन,
ठीक है। अध्यापन कौन से भाषा में, तो संस्कृत में कराया जाता था, ठीक है। यहाँ पे किस में कराया जाता था, संस्कृत में कराया जाता था, संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। यहाँ देखिए, राजा गोपाल द्वितीय के शासन में, ठीक है, जब ये 15 साल शासन कर लिए, याद रखिएगा राजा गोपाल द्वितीय, ठीक है, कि जब ये 15 साल बीत गए तो 15 साल में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्ट साहसिका की पांडुलिपि, ये यहाँ पे जो अष्ट साहसिका की जो पांडुलिपि है आज भी ये मौजूद है। तो कहाँ पे मौजूद है, उस समय कौन लोग आए थे, अंग्रेज लोग, तो अपने म्यूजियम में ले जाकर रख दिए, ब्रिटिश म्यूजियम में ये आज भी ग्रंथ सब मौजूद हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब पूछ दिया जाएगा कि जो प्रसिद्ध ग्रंथ था, क्या था, अष्ट साहसिका की पांडुलिपि, ये किस म्यूजियम में, म्यूजियम मतलब समझते हैं संग्रहालय, जहाँ पुराने चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। बिहार के आप देख सकते हैं पटना में भी म्यूजियम है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। अब देखते हैं तक्षशिला क्या कह रहा है, इतना बोल रहा है, ये तक्षशिला खुद बोला है, स्वयं बोला है, ठीक है, कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरे पास कितनी क्वालिटी है, हमारे दिए हुए कौन है, आर्यभट्ट हैं, ठीक है, जिसको आप फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, विक्रमशिला स्वयं बोल रहा है, ऐसे ही कहानी बनाया गया है। अब देखिए ये बोला है कि मैं कितना फीट ऊंचा हूँ, थोड़ा सा जान लो, ठीक है, 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत, प्रधान चैत्य, चैत्य का मतलब होता है भवन, एक बहुत ही बड़ा भवन है, बहुत ही प्रधान इमारत, ये बहुत बड़ा जो विक्रमशिला था बहुत ही विशाल था, आप समझ सकते हैं, यहां लिखे हैं 10,000/1,000, इसका मतलब जिस विश्वविद्यालय में टोटल 10,000 स्टूडेंट हो, ठीक है, और 1,000 टीचर उसमें पढ़ाने वाले हैं, वो विश्वविद्यालय कितना बड़ा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत ही विशाल वो एक प्रकार का विद्यालय था, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप समझ गए, अब देखिए 4.5 फीट यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है, यही है, तो 4. यानी 4.5 फीट भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति, यानी 4.5 फीट की यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति भी मिली है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, जो ये खुद स्वयं बोल रहा है कि अगर मेरे बारे में जानना हो, विक्रमशिला बोल रहा है, तो देखिए मेरा सर्वनाश भी हुआ है, ठीक है। लोगों ने ये समझ लिया कि ये जो है ये विश्वविद्यालय नहीं है, किसी राजा का किला है, और उन्होंने तुर्क ने आकर के वहाँ आक्रमण कर दिया 13वीं सदी में। 13वीं सदी का मतलब होता है 1201 से लेके 1299 तक के सन ईस्वी जो होता है ना, उसको 13वीं सदी कहते हैं। उस समय तुर्कों ने आकर के वहाँ आक्रमण कर दिया, क्या समझ के, कि ये बहुत बड़ा राजा का किला है। और यहाँ पे देखिए तबाकत ए नासिरी नामक ग्रंथ का वर्णन भी, ठीक है, किया गया है, याद रखिएगा। और पतन का जिक्र, अगर ये बोल रहा है विक्रमशिला, खुद स्वयं बोला कि अगर मेरे पतन के बारे में पढ़ना है, कि मेरी ये पूरा का पूरा इस विशाल काय जो ज्ञान का समुद्र था विक्रमशिला, इसका आखिर पतन कैसे हुआ, तो आप पतन का जिक्र धर्म स्वामी नामक तिब्बती लामा में जा करके उसको पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं कि मेरा विनाश कैसे हुआ। तो टोटल ये विक्रमशिला था जिसने अपने ज्ञान के बारे में, कि विक्रमशिला हम खुद क्या हैं, ठीक है, हमने कैसे कैसे स्टूडेंट को जन्मा, ठीक है, उसके बारे में पूरा का पूरा विक्रमशिला इस लेसन में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और सब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, और वीडियो को लगातार देखते रहेंगे, और अपने दोस्तों में प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ज्ञान, ये सब जो भी है आपका मल्टीपल चॉइस या फिर जो भी कंटेंट है, पहुंचे और वो लोग भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।